फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है आटे से बनी हुई बहुत ही खस्ता और करारे बिस्किट की। बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है ये और बहुत जल्दी बन भी जाती है। इसे आप ढेर सारा बना करके स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी है। इसके बाद जब भी मन करे आप चाय के साथ इसे खाएं या ऐसे ही खाएं। आप देखें कितनी प्यारी बनती है ये, कितना सुंदर गोल्डन कलर आता है इसका। तो पहले तो मैं इसे तोड़ करके और खा करके दिखलाती हूँ कि कितनी खस्ता है। तो इसके करारेपन की आवाज तो आपने सुन ली, अब चलते हैं रेसिपी की ओर। इसके लिए हम लेंगे आधा कप दही और इसमें डालेंगे एक कप चीनी। अब इस चीनी को दही में इतना फेंटेंगे कि वो बिल्कुल दही में घुल जाए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी चीनी घुल जाती है और घुल के इस तरह का कुछ हो जाएगा। इसे अब हम अलग करते हैं और अलग से एक बोल में हम लेंगे दो कप आटा। इसमें हम डालेंगे एक तिहाई कप नारियल का बुरादा और एक तिहाई कप सफ़ेद तिल। इसके साथ साथ हम डालेंगे चार चम्मच सूजी, चार बड़े चम्मच सूजी यानी कि टेबलस्पून, और साथ साथ डालेंगे एक चौथाई कप शुद्ध घी। अब इन सभी चीज़ों को हमें मिलाना है। पहले इस घी को हम आटे के साथ पोंछ लेते हैं, जो भी थोड़ा बहुत इस कप में बचा हुआ है। अब इन सभी चीजों को हम पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब ये सारी चीजें मिल जाएं तो हम इसमें धीरे धीरे करके ये दही और चीनी वाला मिक्सचर डालेंगे। धीरे धीरे करके डालते जाना है और इसे गूंथते जाना है। इतना मिक्सचर इस आटे के लिए और सूजी और जो हमने तिल डाला है या नारियल का बुरादा डाला है उसके लिए काफ़ी है। और आप देखेंगे मैं बिना एडिटिंग के इसे गूंथ रही हूँ, धीरे धीरे डाल रही हूँ और गूंथ रही हूँ। मैंने कहीं पर भी यहाँ पे एडिट नहीं की है, तो वीडियो आपको पूरी दूरी तक दिख रहा है जितनी देर हमने इसे गूंथने में लगाया है। इसी तरह से धीरे धीरे कर एक एक दो दो चम्मच करके इसमें डालते जाना है और इसे गूंथते जाना है। आपको लग रहा होगा कि इससे ये गूंथा नहीं जा पाएगा, लेकिन आप देखिएगा इससे पूरी तरह से गूंथ जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट नाप है और मिक्सचर है ये। बस अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई भी एक कटोरा ले लें और उसी से मापें सभी चीजों को। ये देखिए हमने फाइनली इसे ले लिया है, थोड़ा सा भी उसमें बचा हुआ है। इसे भी ले लेते हैं, जो थोड़ा बहुत बचा है उसे भी हमें ले लेना है। जो हमारा डो बनेगा वो बिल्कुल सख्त डो बनेगा, गीला डो नहीं बनाना हमें या सॉफ्ट सा डो नहीं बनाना। तो आप देखिए ये खत्म हो चुका है और ये डो भी बनने को बिल्कुल अब बनने को ही आ गया है।
आपने देखा ये डो तैयार हो गया है इसका। जैसा मैंने कहा हमें हार्ड डो बनाना है, सॉफ्ट नहीं करना इसे। तो हमारा डो भी रेडी हो गया है और ये दही और चीनी का मिक्सचर भी खत्म हो गया है, डो उससे पूरी तरह बन गया। अब हम इसके तीन पार्ट करेंगे, तीन गोले बना लेंगे। अब तीनों को हम शेप देने वाले हैं, तो हर गोले को लेकर के उसे हम एक आयताकार शेप देंगे, जो क्यूबॉइडल शेप कहते हैं इंग्लिश में, उस तरह से बनाएंगे जैसा मैं बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह का शेप हमें करना है और इसके बाद इसे काट लेना है थोड़े से, जैसा ब्रेड की स्लाइस जिस तरह से होती है मोटी, उतने ही मोटे टुकड़ों में। तो इस तरह से इसे काट लेंगे। और इसे एक प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए तो बढ़िया, देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। अगर आपको किसी में भी लगता है कि इसके एजेस टूट रहे हैं तो उसे थोड़ा सा हाथ से दबा करके सही कर लीजिए और उसे फिर प्लेट में रख लीजिए। देख के ही अच्छे लग रहे हैं, अभी तो तले भी नहीं है। इसी तरह से बाकी दोनों गोले से भी हमें बिस्किट बना लेने हैं, काट लेने हैं। तो ये देखिए कितने सारे बन गए इसमें। अब हमें इन्हें तलना है, तो तलने के लिए हमें कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गरम करेंगे और उसे हम लो मीडियम पे ही रहने देंगे और उसमें बिस्किट डालेंगे। बहुत तेज आंच पे या बहुत गरम तेल में बिस्किट ना डालें, क्योंकि ये थोड़े से मोटे हैं तो इन्हें सिकना है, और बहुत तेज पे आप डालेंगे तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही सेकें। इसे बहुत ही सॉफ्टली पलटें, और वो भी थोड़ी देर, जब ये सिक जाए तल जाए उसके बाद पलटें। सभी को हम पलट लेंगे। उलटते पुलटते हुए हमें इस बिस्किट को सुनहरा तल लेना है, जैसा मैंने आपको शुरू में रंग दिखलाया था, तो गोल्डन कर लेना है। और ये तल चुके हैं, देखिए कितना खूबसूरत सा रंग आया है। तो अब इसे हमें किसी झारे से इसी तरह से छान करके और पेपर नैपकिन पे रखना है या फिर किचन टॉवल पे रख लें, ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो सोख हो जाए उसमें। जिस तरह से इस लॉट को तला गया है उसी तरह से बाकी बिस्किट को भी हमें तल लेना है। ये देख के ही बिल्कुल करारे लग रहे हैं, आप देखिए इसका टेक्सचर देख के ही लग रहा होगा। अब इसके पहले कि हम दूसरे बिस्किट को तलें, ये जो तिल आ गया है तेल में उसे हमें हटा लेना है। तो जितना हो सकेगा उतना हटा लेंगे और उसके बाद दूसरे लॉट को इसमें हम डालेंगे। सभी बिस्किट को हमें इसी तरह से तल लेना है। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये, और ये देखिए तैयार हो गए हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितना प्यारा रंग आया है इनका, आप देख सकते हैं। इसका टेक्सचर, इसका कलर, सभी बता रहे हैं कि ये बिस्किट कितने स्वादिष्ट बने होंगे, कितने खस्ते बने होंगे, कितने कुरकुरे बने होंगे।
देखिए ये तो तैयार है, मैं आपको और अच्छे से दिखलाती हूँ बिल्कुल पास से, है ना। अब बेकरी से बिस्किट मंगाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया आटे का बिस्किट घर में बनाइए, तले हुए तो हैं लेकिन हेल्दी हैं ये बिस्किट बाकी बिस्किट से जो मैदे के मिलते हैं बाजार में। अब मैं आपको इन्हें तोड़ करके दिखलाती हूँ। बहुत ही बढ़िया बने हैं ये और बहुत ही खस्ता भी बने हैं। तो कैसी लगी ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी मैं इसके कुरकुरेपन की आवाज आपको सुनाती हूँ। तो है ना बिल्कुल कुरकुरी और खस्ता, इसे बना करके देखिए। अगर अच्छी बने तो इस वीडियो पे अपने कमेंट दीजिए, इसे शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।